नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योसेफ काले है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में। डिप्रेशन के बारे में हमने बहुत सुना है। कभी कभी ये डिप्रेशन वाले लोग अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खर्चा करने लगते हैं, बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो ठीक हो गया। पर क्या आपको पता है कि ये शायद बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है? आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। जैसे डिप्रेशन सबको पता है कि होता क्या है। डिप्रेशन में हमारा मूड लो हो जाता है, हमारी एनर्जी डाउन चली जाती है, हम सैड फील करने लगते हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो अच्छी लगना कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ये हमारे मूड का एक डाउन पॉइंट होता है। बिल्कुल इसके अपोजिट, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, नींद की ज़रूरत कम पड़ना, बहुत खर्चे करते रहना, रिस्क लेना, गाड़ी बहुत फास्ट चलाना, इन शॉर्ट हमारे मूड में तेजी आना, जब ये दोनों चीज़ें एक इंसान में प्रेजेंट होती है तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक मूड डिसऑर्डर है। मूड के दोनों पोल्स हमारे में जब पाए जाते हैं उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर 1 और बाइपोलर डिसऑर्डर 2। बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में सिर्फ मैनिक एपिसोड्स पाए जाते हैं। उनमें डिप्रेसिव एपिसोड्स वैसे हिस्ट्री वाइज नहीं मिलते हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि शायद उनमें डिप्रेसिव एपिसोड्स मिस हो गए हैं रिलेटिव्स की तरफ से या पेशेंट्स की तरफ से। जो बाइपोलर 2 होता है उसमें मेनिया होता है पर इतना ज़्यादा नहीं, लो, जिसको हम हाइपोमेनिया कहते हैं, और उनमें डिप्रेशन होता है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर 2 टाइप्स के होते हैं। कोई कोई लोग इसको इसमें एक डालते हैं जिसका नाम है साइक्लोथाइमिया और डिसथाइमिया। साइक्लोथाइमिया का मतलब है कि ये जो मेनिया और डिप्रेशन है ये आते जाते रहता है। डिसथाइमिया का मतलब है कि लो मूड कंटिन्यूस चलता है बहुत लंबे समय के लिए। तो बच्चों में अगर हम कहें तो उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चों में सिम्टम्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग से होते हैं। हमें लगता है कि बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है, बहुत ज़्यादा शरारती हो रहा है मेनिया में, या फिर बहुत ज़्यादा स्टबन हो रहा है, या फिर डिप्रेशन में हमें लगता है कि उसका मूड नहीं है, वो खेलना नहीं चाहता और बच्चे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो बच्चों में भी बाइपोलर डिसऑर्डर होता है पर उनमें थोड़ा डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के या फिर कोई भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के 2 या 3 कारण होते हैं। एक होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर मेरे माँ बाप को या उनके फैमिली में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मुझे होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। सेकंड होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि एनवायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। थर्ड होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी या हमारा स्वभाव जो है, हमारा स्वभाव भी अगर स्ट्रेस हैंडल करने के लायक नहीं है या फिर हमारी कैपेसिटी जो है स्ट्रेस हैंडल करने की वो ठीक नहीं है तो भी हमें ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे मैंने शुरुआत में बताया था उसमें 2 पोल्स होते हैं। एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में हम सबको ही पता है कि हम सैड रहते हैं। जो चीज़ें पहले हमें अच्छी लगने लगती हैं तो जिन चीज़ों में हमें खुशी मिलनी चाहिए उन चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है। हमारी नींद है या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। हमारी भूख जो है वो या तो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। हम लोगों से बात करना कम करते हैं। वही जो दूसरा अपोजिट पोल है जिसको हम मेनिया कहते हैं, मेनिया में इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसकी नींद कम हो जाती है, उसको रादर नींद की ज़रूरत कम पड़ती है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो बहुत गुस्सा करने लगता है, बहुत खर्चा करने लगता है, बहुत हैप्पी रहने लगता है, अनजान लोगों से बात करने लगता है, उसको लगता है कि उसमें कोई एनर्जी आ गई है और वो कुछ बहुत बड़ा चीज़ करना चाहता है जिसको हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, कि उसमें कोई सुपर पावर आ गई है। तो ये लक्षण है डिप्रेशन और मेनिया के। कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं, क्लाइंट हमारे पास आते हैं जो ये सिम्टम्स बता रहे हैं कि अभी का उनका जो एपिसोड है वो या तो डिप्रेशन हो या तो मेनिया हो, उनकी पास्ट हिस्ट्री में
अगर इनमें से कोई और है, कोई अभी डिप्रेशन में आया है और पिछली बार उनमें मेनिया के सिम्टम्स है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो दोनों चीज़ें अगर किसी इंसान में प्रेजेंट हैं तो हिस्ट्री वाइज तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। डिप्रेशन में रिस्क फैक्टर है सबसे बड़ा जो है वो है सुसाइड या खुदकुशी। सीवियर डिप्रेशन में खुदकुशी के थॉट्स आना बहुत कॉमन है। ऑन द कॉन्ट्ररी अदर साइड अगर मैं बात करूँ मेनिया में, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चे करने लगता है और इसकी वजह से वो फाइनेंशियली पूरा बैंक्रप्ट हो सकता है। सेकंड, क्योंकि वो बहुत तेज़ चीज़ें करने लगता है, जैसे कि तेज़ ड्राइविंग करना है, इस वजह से वो एक्सीडेंट के लिए प्रोन हो सकता है, लोगों को मार सकता है, खुद भी मर सकता है। क्योंकि वो गुस्सा बहुत करता है तो उस गुस्से में वो किसी की जान भी ले सकता है। या फिर क्योंकि हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर भी मेनिया में देखा गया है, तो वो इंसान बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रखने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ जैसे HIV और अदर ये चीज़ें होने के चांसेस और रिस्क होता है।